देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 हमारी सीरीज का, चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लास 12 बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सहेली। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे जैसे 3 मार्क्स में 12th क्लास में फाइनल बोर्ड्स के पेपर में ये पूछ लिया गया हो। सो फर्स्ट पॉइंट विल बी, इट इज न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, या पिल कहेंगे वो ज्यादा बेटर है, पिल, बिकॉज इट इज टेकन ओरली विद माउथ। कॉन्ट्रासेप्टिव है, टेबलेट की फॉर्म में है, कंसेप्शन को प्रिवेंट करती है। कंसेप्शन मीन्स कंसीव होना, मीन्स प्रेगनेंसी होना, इम्प्लांटेशन होना, उसको प्रिवेंट करती है और टेबलेट फॉर्म में है। तो इसमें नया क्या है, व्हाट इज न्यू इन दिस, किसने इसको बनाया, कैसे इसके साइड इफेक्ट हैं या नहीं, एफिशिएंसी क्या है, ये सब पॉइंट्स हम लिख देंगे, नोट हो जाएगा इसका। इट इज नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, मींस इसके अंदर कोई स्टेरॉइड नहीं है। पिल्स जो होती हैं वो या तो प्रोजेस्टेरोन होता है या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है, यही इन इसमें है। लेकिन इसमें एक्चुअल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं है, इसमें नॉन स्टेरॉइडल प्रोजेस्टेरोन है, नॉन स्टेरॉइडल है वो चीज़ें, नॉन स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स हैं। एक्चुअल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइडल है हमारी बॉडी में, सेक्स हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, दीज आर कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड है, स्टेरॉल है, सो दीज आर कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव। इसीलिए तो हमारी बॉडी जितना कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करती है उतना कंज्यूम कर लेती है, क्योंकि उसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने होते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि एनिमल ओरिजिन का खाना नहीं खाना चाहिए, प्लांट ओरिजिन का खाने वाले को कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि प्लांट ओरिजिन के फूड में कोलेस्ट्रॉल ही नहीं होता, प्लांट कभी कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, केवल एनिमल्स कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करते हैं। गाय का दूध सबसे बेहतर और उत्तम इसलिए बताते हैं क्योंकि उसमें सबसे कम कोलेस्ट्रॉल होता है, तो हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। गाय का दूध पीने वाले को भी कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि जितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए है वो कंज्यूम हो जाएगा बॉडी में, और एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी सिर्फ एक्यूमुलेट कर सकती है आर्टरीज में। फेवरेट आर्टरी कौन सी है उसकी, कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट मसल्स को ही ब्लड सप्लाई करती है। इसीलिए एनिमल ओरिजिन का कुछ नहीं खाना चाहिए, घी तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, थोड़ा चल जाएगा आधा एक चम्मच, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जो हार्ट अटैक बना दे। लीस्ट साइड इफेक्ट इसके, साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं, हाई एफिशिएंसी, वंस इन अ वीक पिल, वंस इन अ वीक पिल मीन्स आप ध्यान करो, जो टैबलेट्स हैं अभी हमने ओरल पिल्स नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको समझने में थोड़ी समस्या होगी। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो होगा ओरल पिल्स। उसमें एक पॉइंट आएगा कि ओरल पिल्स आर टेकन रेगुलरली फॉर 21 डेज, लीविंग ओनली दी मेंस्ट्रुअल डेज। और उसके बाद सेकंड पॉइंट करेंगे हम कि आफ्टर द मेंस्ट्रुअल डेज, मेंसिस डेज, आफ्टर द गैप ऑफ 7 डेज, फीमेल कैन कंटिन्यू टेकिंग द ओरल पिल्स टिल शी वांट्स टू डिले हर प्रेगनेंसी। मीन्स ओरल पिल्स कंटिन्यूअसली डेली लेनी पड़ती हैं। मान लीजिए एक कपल ने बेबी कर लिया इस साल, और वो 3 साल का गैप चाहते हैं, 3 साल तक बेबी नहीं चाहते,
इसीलिए तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं। लेकिन ओरल पिल्स जो हैं वो 3 साल तक रेगुलर लेनी पड़ेंगी। 3 साल में सिर्फ पाँच पाँच सात सात दिन हर महीने, यानी 12 7 84 90 दिन मान लीजिए, साल के 90 दिन नहीं लेनी है, और 9 तिया 27, पूरे 3 साल में तकरीबन 300 300 300 900 के आसपास दिन हुए अंदाजन। हम 1000 दिन मान लेते हैं क्योंकि 65 भी होते हैं। 1000 दिन में केवल सिर्फ 300 दिन नहीं लेनी वो ओरल पिल, बाकी पूरे 700 दिन लेनी है। तो सोचो शरीर में क्या डैमेज करेगी वो, इसीलिए उसका साइड इफेक्ट है। और ये वंस इन अ वीक पिल है, एक बार ली एक हफ्ते छुट्टी, तो कितना बॉडी को डैमेज होने से बचा लिया इसने। सो इट वाज अ न्यू डिस्कवरी। और किसका किसने करी डिस्कवरी ये भी जानना बहुत जरूरी है। इंडिया ने ही करी, कहीं बाहर से नहीं आई ये। डेवलप्ड बाय वंस इन अ वीक पिल, अंडरलाइन डेवलप्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। CD CDRI लखनऊ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इसने सहेली डेवलप करी है। अब देखो दो वर्ड आए हैं आपके सामने, वन इज निरोध। निरोध क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन निरोध। क्या लिखोगे इसमें आप? निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल्स, ठीक। इट इज अ बैरियर मेथड, इट प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ सीमन इन फेलोपियन ट्यूब, और उससे पहले आ जाएगा वेजाइना, एंट्री ऑफ सीमेन इन वेजाइना। सो ये इसके काम है निरोध के। निरोध के बारे में नोट हो गया। और राइट अ नोट ऑन सहेली। सहेली के बारे में क्या जानते हो? सहेली क्या है? एक ओरल पिल है, CDRI लखनऊ में डिस्कवर हुई है। सो ये ध्यान रखना, राइट अ नोट ऑन निरोध भी आ जाएगा। सारे वो पॉइंट्स कॉन्डम वाले एज इट इज आएंगे कि निरोध कैन प्रिवेंट फ्रॉम STDs। सो ये सब कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। तो अब ध्यान दो, मैंने ओरल पिल्स भी इसमें इंट्रोड्यूस करवा दी, निरोध का भी बता दिया सहेली वाले क्वेश्चन में साथ के साथ। सो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखा करो। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।